हेलो फ्रेंड, मैं लिंगराज पीटर किचन किंग में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबके लिए और एक नया रेसिपी लेके आया हूँ। थंबनेल देख के तो आप सबको पता चल गया होगा ये कौन सी रेसिपी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सबके लिए आज गाजर का हलवा का रेसिपी लेके आया हूँ। तो फिर चलिए दोस्तों, ये रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर हमने 5 गाजर लिया है। गाजर का छिलका को ऊपर से निकाल के उसको अच्छी तरह से धो लिया है। अभी हम एक एक गाजर को लेंगे और उसको अच्छी तरह से छोटा छोटा करके काट लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी साइज में आपको काटना है। ये देखिए, हमने सारा गाजर को छोटा छोटा करके काट लिया है। अब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे, लेकिन इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो चलिए अब हम इसे मिक्सी में डाल के इसको पीस लेते हैं। ये देखिए, हमने इसको पीस लिया है। अब हम इसको एक बॉल में निकाल लेंगे। इसको आप जब भी पीसे बिना पानी के ही पीसे। ये देखिए, हमारा गाजर बहुत ही अच्छी तरह से दरदरा टाइप का हो गया है। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए, ये है किशमिश, ये काजू, ये बादाम, ये 2 तेज़पत्ता, ये थोड़ा सा खोआ। इसको भी हम एक एक करके हलवा में यूज करेंगे। हमने लिया एक कढ़ाई, कढ़ाई गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे देसी गाय का घी 1 चम्मच, और उसमें हमने जो ड्राई फ्रूट्स रखा है, काजू, बादाम और हमारा किशमिश, उसको एक एक करके फ्राई कर लेंगे। पहले हमको काजू और बादाम को फ्राई कर लेना है और लास्ट में उसमें किशमिश को डाल के फ्राई करना है। अभी हम इसमें डाल देंगे किशमिश और इसको भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, अभी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट को डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा फ्राई करके डालने से ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। अभी हम उसी कढ़ाई में और 1 चम्मच लेंगे देसी गाय का घी, और घी गर्म हो जाने के बाद इसमें ऐड करेंगे हमारा गाजर जिसको हमने मिक्सी में पीस कर रखा था, और उसको थोड़ी देर इसमें मिला के अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। देसी घी में जब ये गाजर फ्राई होता है, इसमें से बहुत ही अच्छा खुशबू आता है। आप जब भी घर में गाजर का हलवा बनाएं, देसी गाय घी में ही बनाएं। ये देखिए, थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसका भी कलर चेंज हो गया है और ये अच्छी तरह से फ्राई भी हो गया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी को आप अपना स्वाद के हिसाब से लिए, और चीनी को डालने के बाद इसको हम इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैं बहुत पहले भी एक बार गाजर का हलवा का रेसिपी डाल चुका हूँ, लेकिन उसमें एक अलग तरीके से बताया हूँ और इसमें एक अलग तरीके से बताया हूँ। अभी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, और ये देखिए, ये है दूध। हमने यहाँ पर 1 किलो दूध को गर्म करके उसको आधा किलो कर दिया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे दूध, और दूध को डालने के बाद इसको हम इसमें अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। आप चाहे तो दूध के जगह पे मिल्क पाउडर यानी कि अमूल पाउडर भी ले सकते हैं। अभी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे इलायची। हमने थोड़े से इलायची को कूट लिया था, और यह है 2 तेज़पत्ता। इसको हम इसमें डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको इसमें डालने से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अभी हम गैस को मीडियम फ्लो पर रख के इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, 10 से 15 मिनट हो गया है और हमारा गाजर का हलवा का टेक्सचर एकदम चेंज हो गया है। हमने इसमें जितना भी दूध डाला था, सारा दूध को गाजर ने सोख लिया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे खोआ। खोआ को डालने से बहुत ही टेस्टी लगता है, और ये हमारा खोआ। अभी हम इसमें इसको डाल देंगे। हमारा जो खोआ है, इसमें भी थोड़ा चीनी है, इसीलिए हमने पहले थोड़ा सा कम चीनी यूज किया है। चलिए अब हम इसे इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। आपको अगर खोआ पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, और इसको ऐसे ही थोड़ी देर मिलाने के बाद अभी हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई करके रखा था, और ये हमने इसमें डाल दिया हमारा ड्राई फ्रूट्स। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट हम बचा कर रखेंगे बाद में गार्निश करने के लिए, और इसको भी हम इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। और ये हमारा बन के रेडी हो गया गाजर का हलवा। अभी हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे। ये देखिए, हमारा गाजर का हलवा। आप मेरे बताए हुए तरीके से इसको एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगा। और ये हमारा गाजर का हलवा को हमने एक प्लेट में निकाल लिया, और जो बाकी बचा ड्राई फ्रूट्स था उसको भी हम इसका ऊपर में डाल दिए। ये देखिए, हमारा गाजर का हलवा पूरी तरह से बन के रेडी हो गया है। अभी आप इसको फैमिली के साथ बैठ के आराम से खा सकते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा चम्मच से निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों, आज का मेरा गाजर का हलवा का रेसिपी आपको कैसा लगा
मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।